नजर से देखिए तो ही चुनाव मैकेनिज्म करने जा रहे हैं। उस मैकेनिज्म को आप लोग ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। ये मैकेनिज्म मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। जो हमारे बोर्ड में 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है मैकेनिज्म, तो हम लोग एल्कोहल फिनॉल ईथर इस चैप्टर से मैकेनिज्म आज करेंगे। आज की क्लास में मैकेनिज्म ये है, इथीन टू इथेनॉल, इथीन टू इथेनॉल। क्वेश्चन पूछता है राइट द मैकेनिज्म, राइट द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इथीन टू इथेनॉल। यहां पर ध्यान दीजिए, इथीन टू इथेनॉल में 3 स्टेप का ये मैकेनिज्म है। तीनों स्टेप लिखना जरूरी है और स्टेप वाइज मार्किंग है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, ये H2O ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर है, यहां पर ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर है, और ये H+ प्रोटोनेटेड हाइड्रोजन H+ ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये अपनी ओर हाइड्रोजन को ले लेगा। ये ऑक्सीजन अपनी ओर हाइड्रोजन को ले लेगा और ये H3O+ यहां पर बंधन बन जाएगा। अब अगले स्टेप में CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहां इथीन, ये स्टेप 1 यहां से स्टार्ट होता है और ये 3 स्टेप तक जाता है। रिएक्ट्स विद H3O+। अब इसको थोड़ा ओपन करके हम लिखेंगे, ओपन करके लिखेंगे इसको, क्योंकि ये मैकेनिज्म है आपको रिप्रेजेंट करना है। ये ऑक्सीजन ने दिया था और एक लोन पेयर है। ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो वो अपनी ओर लेगा, अपनी ओर वो अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा। तो हाइड्रोजन से अपना इलेक्ट्रॉन अपना तो लिया ही, हाइड्रोजन का भी ले लिया इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन फिर गरीब हो गया। और ये कार्बन, इस कार्बन से बोला कि भाई तू मेरे को इलेक्ट्रॉन दे दे और इस हाइड्रोजन को हम लोग मिलके बचा ले। तो ये कार्बन बेचारा इस हाइड्रोजन को ले लिया और ऑक्सीजन ने इस हाइड्रोजन से ले लिया। तो कार्बन ने हाइड्रोजन को बचाया, अपने पास बुला लिया कि तू आ जा मेरे पास, क्योंकि ऑक्सीजन ने तो तुझे ले लिया, तुम्हारा ले लिया, तुझे ने तुम्हारा लिया इलेक्ट्रॉन। तो ये यहां पर, यहां ध्यान दीजिए, ये CH3 हो गया, एक हाइड्रोजन यहां पे आ गया। तो पहले से तो 2 हाइड्रोजन है ही, एक हाइड्रोजन ये आ गया, 3 हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन इस कार्बन पर आ गया, यहां ये कार्बन कैटायन के फॉर्म में हो गया, 2 हाइड्रोजन है ही, और ये बॉन्ड यहां आकर के ये हाइड्रोजन को अपनी ओर बुला लिया ये कार्बन, और ये प्लस वाटर, ये H2, ये ऑक्सीजन ले लिया हाइड्रोजन से, अपना तो लिया ही, हाइड्रोजन का भी ले लिया इलेक्ट्रॉन। और यहां H2O ये हो गया। और सेकंड स्टेप में आप ध्यान दीजिए, सेकंड स्टेप में ये प्रोडक्ट को रिएक्टेंट के फॉर्म में लिखिए, HC, यहां HC, ये कैटायन के फॉर्म में है जो मैंने आपको बताया, फिर रिएक्ट विद H2O। अब ये ऑलरेडी लोन पेयर है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक है, तो ये क्या कर रहा है यहां पे लोन पेयर है, तो ये इसको अपने साथ बुला ले कि तू परेशान है, बहुत परेशान है, तू आ जा मेरे पास, कैटायनिक फॉर्म में नहीं रहेगा, तेरी बॉन्ड कंप्लीट हो जाएगी। तो ये ऑक्सीजन ने अपनी ओर इसे बुला लिया, तो यहां CH3 हो गया और ये CH2 हो गया और ये हो गया OH2, इसने दे दिया और ये लोन पेयर हो गया। ये जो लोन पेयर यहां पर ऑक्सीजन के पास आ गया और ये प्रोडक्ट फिर रिएक्टेंट में आता है, ये थर्ड स्टेप में, 3 स्टेप का मैकेनिज्म है। तो ये H3C और ये H और OH2, इसको अलग फॉर्म में हमने लिख दिया, ये लोन पेयर और ये कैटायन फॉर्म में जो इलेक्ट्रॉन देकर के बॉन्ड बनाया है, प्लस H2O, प्लस
हाइड्रोजन से ले लेगा इलेक्ट्रॉन, फिर ये हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और ये ऑक्सीजन कहेगा कि तू आ जा मेरे पास, तू आ जा मेरे पास, फिर हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन के पास आ जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद आपको H3CH2, ये CH2, ये OH हो गया और H इसके पास आ गया, OH2 हो गया, OH हो गया और ये हाइड्रोजन इसके पास आ जाएगा प्लस H3O प्लस H3O, ये लोड करके फॉर्म में ये बन गया इथेनॉल, इथेनॉल। तो मैंने शुरू किया इथीन टू इथेनॉल, इथीन टू इथेनॉल, ये मैकेनिज्म हो गया इथीन टू इथेनॉल। और यहां पर ध्यान दीजिए, मैंने आपको अभी समझाया इथीन टू इथेनॉल मैकेनिज्म, इथीन टू इथेनॉल मैकेनिज्म में दो स्टेप में तीन स्टेप का मैकेनिज्म है, जो तीनों स्टेप मोस्ट 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 इंपोर्टेंट है, तीनों स्टेप लिखना है, टू स्टेप लिखने का हाफ मार्क्स। फिर आपको थर्ड और फोर्थ, सबसे पहला आपने जो लिखा मैकेनिज्म हमने आपको पढ़ाया इथीन टू इथेनॉल, इथीन टू इथेनॉल में आपने देखा थ्री स्टेप और वन स्टेप, पहला स्टेप H2O H+ H3O+, फिर सेकंड स्टेप इथीन, इथीन और वो इथीन कैटायनिक फॉर्म में हो गया, कैटायनिक फॉर्म में हो गया और उधर H2O हो गया। फिर सेकंड स्टेप में वो कैटायनिक फॉर्म में फिर H2O अटैक करता है ऑक्सीजन, फिर उसकी बॉन्ड कंप्लीट हो जाती है। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप में वो हाइड्रोजन H2O अपना हाइड्रोजन को ले लेगा ऑक्सीजन ने, H से इलेक्ट्रॉन ले लिया, फिर वहां पर इथेनॉल बन गया और H3O+ बाहर निकल गया। तो आज का टॉपिक, आज आपको मैंने बताया इथीन टू इथेनॉल, फिर हम लोग अगले क्लास में अगले मैकेनिज्म इस चैप्टर का पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।